हालांकि इसके इलाके अलग अलग हैं और कहीं ये निर्गुण है तो कहीं सगुण। भगवद गीता और उपनिषदों में भी पहले इसका जिक्र किया था और ये तय करना मुश्किल है कि इसकी शुरुआत किसी ठोस समय पर होती है या नहीं। बहरहाल 8वीं सदी के आसपास इसे कई लोकप्रिय समुदाय जो भगवान को भक्ति मार्ग से पसंद करते हैं उनके रूप दृढ़ देखने को मिलते हैं। भगवान शिव और विष्णु थे तो कहीं देवियां भी थी। आगे चलकर उनके इस्लाम से भी उनका समन्वय होता है। ये मिसाल कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन से नहीं उपजते किंतु कई जगह पिछड़ी हुई जातियों की आकांक्षाओं से उद्भव होते हैं। सदियों तक संस्कृत भाषा में राजाओं महाराजाओं और तत्वज्ञानियों को अपने चमत्कारी प्रभाव में रखा था। श्रुति और स्मृति की परंपराओं से बना बहुत ही समृद्ध साहित्य हमारे पास। हालांकि राह चलते हुए अपनी खूबसूरती के बावजूद संस्कृत एक बढ़ते हुए तबके की आकांक्षाएं पूरी न कर सका और उस तबके में मर्दों औरतें कुंभार कहिए किसान बुनकर डोली बजाने वाले लोहार राजकुमारियां भी थी तो पंडित भी थे तो ग्वालिये भी थे। ऐसे तबके के लिए नई भाषाओं की जरूरत थी जो संस्कृत से दूर हटती गई। आप तो यूँ देखोगे तो बुद्ध ने भी पाली का इस्तेमाल किया हुआ है और कबीर में भी आप देखोगे तो अवधि भोजपुरी का जो मिश्रण दिखता है। इन सब में कौन सी समानताएं थी? ये लोग जो तरह तरह के तबकों में से आए थे, कहने को तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को आवाज देने की हिम्मत। ये साहसी सपने देखने वाले लोग थे, सिर्फ पूजक नहीं थे। ये उलट पुलट करने वाले विजनरी थे, सिर्फ पूंजी की तरह पूजा विरासत में नहीं ली थी उन्होंने। ये भगवान से डरने वालों में से नहीं थे किंतु भगवान के दीवाने थे। ये भूख थी, ये प्यास थी, ये दीवानगी थी। इसी तरह हिंदुस्तान में एक भक्त पैदा होता है, नया रंगीन सा, उसका आकार क्षितिज पर उभरता है। उसकी जिद थी कि भगवान की सूरत हर चीज में है, साधारण लोगों की जिंदगी में भी है, कपड़े में भी है तो मिट्टी में भी है, बर्तन में भी है तो मंदिर में भी है, कस्बे में भी है। जब उसने यह सूरत पाई तो वो मग्न हुआ, जब नहीं मिली तो वो बिलखने लगा। काफी जाने माने स्कॉलर हैं ए के रामानुजन, उनका ये कहना है, अ भक्त इज नॉट कंटेंट टू वर्शिप अ गॉड इन वर्ड एंड रिचुअल नॉर इज ही कंटेंट टू ग्रास्प हिम इन अ थियोलॉजी, ही नीड्स टू पजेस हिम एंड बी पजेस्ड बाय हिम। ही आल्सो नीड्स टू सिंग, टू डांस, टू मेक पोएट्री, पेंटिंग, श्राइन्स, स्कल्पचर, टू एम्बॉडी हिम इन एवरी पॉसिबल वे। तो भक्त जो है उसको, हम मोदी भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल जो भक्त के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी अलग ढंग से हो रहा है, हम सच्चे भक्त की बात कर रहे हैं या हम सचमुच के भगवान की बात कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति है ये काफ़ी कठिन थी, इसका रास्ता काफ़ी कठिन है क्योंकि पूजा करना तो बहुत आसान है, उपवास रखना काफ़ी आसान है, लेकिन ये जो दीवानगी है और ये जो फना होने की बात है जो हमारे भक्ति ट्रेडिशन में भी है, जो हमारे सूफियों में भी है, ये ज़्यादा कठिन है। और इसलिए बसवा, आपने शायद बसवा के बारे में सुना हो या ना सुना हो, लेकिन साउथ में कर्नाटक के आसपास जो इसी तरह के भक्त पैदा हुए जिन्होंने एक श्रमिक समाज पैदा किया जिसमें न जाति न मजहब न किसी चीज़ का भेदभाव था, तो ये बसवा का कहना है कि ये मत सिर पे लियो ये भक्ति नाम की चीज़, तेज छुरी जैसी काटती है जाते हुए और काटती है फिर आते हुए, जो हाथ डाले सांप वाली मटकी में तो क्या बच पाओगे, ये बसवा कहते हैं। कबीर ने इसे रामबाण कहा है जो आप जानते ही होंगे, और वो इसी तरह तुकाराम जो महाराष्ट्र के कबीर हैं वो कहते हैं, क्योंकि वो पंढरपुर में मानने वाले हैं, पंढारी के जो भगवान हैं, वो कहते हैं पंढारी के जंगलों में जो जाओगे तो भूतों और प्रेतों को पाओगे, वहां मत जाइयो, सिर्फ एक बार जो तुम पंढारी गए तो लौट के कभी नहीं आओगे। कि भक्ति तो कठिन है, अगर उस भक्ति के अजब शहर में जाओगे तो वहां से आप वापस नहीं आओगे। ये काफी जाहिर है कि ये यात्रा भी उसी तरह की भक्ति है। ये शुरुआत हुई है
इसका अंत नहीं हो सकेगा क्योंकि भक्ति का रंग ही कुछ ऐसा है। एक और एक ये भक्ति की एक किताब है जिसका नाम है ईटिंग गॉड, मतलब भगवान को खाते हुए, न कि खिलाते हुए, भगवान को खाते हुए। क्योंकि भगवान भी आप जैसे ही हैं, आपसे ज्यादा कुछ सुपीरियर नहीं है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके मित्र हैं। तो उसको आगे बात को बढ़ाते हुए एक साउथ के दूसरे काफी जाने माने भक्त हैं जिनका नाम है देवारा दसी मरिया, और उनका कहना है, मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ती हूँ और फिर आपके लिए हिंदी में अनुवाद कर लूंगी। वो उनका कहना है, वॉट एवर इट वॉज दैट मेड दिस अर्थ द बेस, द वर्ल्ड इट्स लाइफ, द विंड इट्स पिलर, अरेंज द लोटस एंड द मून एंड कवर्ड इट ऑल विद फोल्ड्स ऑफ स्काई विद इट्स सेल्फ इनसाइड, टू दैट मिस्ट्री इनडिफरेंट टू डिफरेंसेस, टू इट आई प्रे ओ रामनाथ। तो ये भी 8-9 सदी के आसपास देवानंद दसी माया जो साउथ इंडिया के काफ़ी जाने माने भक्त हैं, ये उनका कहना है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब एक ही है, जब वट एवर इट वॉज दैट मेड दिस अर्थ दैट बेस, इस जमीन का जिस भी चीज़ से, जिस भी धातु से इस जमीन से अगर वो बेस बना है और अगर उससे दुनिया बनी है और इसकी हवा जो है अगर उसका पिलर बना है, वो जो भी है उस रहस्य को समझते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि वो रहस्य जिस जो डिफरेंसेस से इनडिफरेंट है, मतलब जो अगर वो भेदभाव देखता है तो उससे वो निर्लेप है। भेदभावों से निर्लेप होना, मतलब भेदभावों को देखना ही नहीं, भेदभावों के बारे में बेपरवाह होना कि ये औरत है, ये मर्द है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, इन भेदों से जो ऊपर होता है उसी को मैं पूछ रहा हूँ, उनका ये कहना है। इसी तरह वहां के दूसरे कवि हैं जिनका नाम है नमलवर, जो कबीर से भी पहले हैं, और ये सब ट्रेडिशंस हमारे दक्षिण भारत में भी बहुत ही जानी मानी ट्रेडिशंस हैं। ये अलग चीज है कि हम लोग सिर्फ तिरुपति की बात करते हैं और हम समझते हैं कि वहां सिर्फ विनाशी मंदिर है या तिरुपति है, लेकिन ये वहाँ की भी बहुत ही जानी मानी परंपरा है। तो वहाँ के जो नमलवर हैं वो कहते हैं, और ये सुनने जैसा है, ये जो काव्य है जिसका अनुवाद किया गया है तमिल में से, वी हियर एंड दैट मैन, दिस मैन एंड दैट अदर इन बिटवीन, एंड दैट वुमन, दिस वुमन एंड दैट अदर, हूएवर, दोस पीपल एंड दीज अदर्स इन बिटवीन, दिस थिंग दैट थिंग एंड दिस अदर इन बिटवीन, whichever, all things dying, these things, those others in between, good things, bad things, things that were, that will be, being all of them, he stands there. तो ये पुरुष वो पुरुष दोनों के बीच का कोई और, ये औरत वो औरत दोनों के बीच की कोई और, ये लोग वो लोग दोनों के बीच की कोई और आवाम, ये चीज वो चीज दोनों के बीच की कोई और चीज, ये सब जो समाई हुई है मैं सिर्फ उसे जानता हूँ, वो वहां खड़ा है। तो ये नमन गर्भ कहना है। सो इसी तरह हमारे पास हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे दीवाने हैं जिनको कभी भक्त कहा गया तो कभी उन्हें सूफी कहा गया, कभी उन्हें पागल समझा गया तो कभी उन्हें भगवान समझा गया, लेकिन ऐसा कोई हिंदुस्तान का कोना नहीं है जहाँ पे इनका कोई ना कोई आपको रूप नहीं दिखेगा। कई बार ये भी होता है कि आप रहीम सुनते हो और आपको लगता है ये शायद कबीर हैं, कई बार ये होता है कि रहीम की आवाज़ किसी और में, कबीर की आवाज़ किसी और में घुल जाती है, क्योंकि एक कबीर जो है वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, कबीर वो जो है एक मेटाफर है, वो एक रूपक है, वो एक बहाना है। कबीर का नाम लेकर हम एक हिंदुस्तान के वो जो खास एक ईथॉस है, हिंदुस्तान की एक खास जो फितरत है जो हमसे लोग छीन रहे हैं आज और अपने ढंग से उसके नए अर्थ निकाल रहे हैं, ये उस उन अर्थों को, ये उस हिस्ट्री को,
और ये उस कबीर को वापस लेने की बात है. दिस इज टू रीक्लेम दैट कबीर, दिस इज टू से सॉरी, गिव इट बैक टू अस. क्योंकि उसका उसको हम समझेंगे और उसको हम अपने ढंग से समझेंगे, है ना. तो उसकी जो उसका जो नज़रिया है, ये वो नज़रिए की बात है, ये उस मांझी की बात है. तो कई बार आप अगर आपको वक्त मिले तो आप एक इंटरनेट पे शबनम बिरवानी के पूरे वीडियोस देखना जो कबीर पे हैं. शबनम बिरवानी जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस होता है 1992 में और वहाँ इंटरव्यू करने जाती हैं और वहाँ सबसे लोगों से पूछती है कि आपके लिए आपको ये आपने इसमें हिस्सा लिया, आपको क्यों ज़रूरी लगा, आपका क्या जज्बा था, आपका क्या संबंध था. और वो सुनते सुनते उसको लगता है, कुछ लोग कहते हैं कबीर को सुन रहे हैं. और फिर वो सोचते हैं अगर ये कबीर को सुन रहे हैं तो उनको कबीर वाले राम को क्यों नहीं सुना, ये वो राम नहीं है. तो वो सोचती है कि मैं कबीर और राम दोनों को मैं अलग अलग जगह पे क्यों ढूंढ रही हूँ, शायद दोनों एक ही में समाए हुए हैं. और इस तरह वो जो पूरा एक ग्रुप है, जो सृष्टि स्कूल में से बैंगलोर में से पूरा ग्रुप है, जहाँ जहाँ कबीर के चाहने वाले हैं वहाँ वहाँ वो जाते हैं. उनको रास्ते में राजस्थान के मिरासी मिलते हैं, तो फिर उनको मध्य प्रदेश के कुछ लोग मिलते हैं और यूँ घूमते घूमते वो कराची भी पहुँच जाते हैं. कराची में आप अगर आप फरीद अयाज से मिलते हैं और फरीद अयाज भी कहते हैं शबनम जी मैं बताता हूँ कबीर कौन है, आप जानती नहीं है उन्हें, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने उनको समझा है, क्योंकि मैंने उनको समाया हुआ है. तो एक ढंग ये है कि कबीर हर जगह बटे हुए हैं और दूसरा ये है कि कबीर के भी एक कबीर व्यापक, हर किसी ने अपने ढंग से कबीर को समझा है. इसलिए ये कहना लाजिम नहीं होगा कि इसके कबीर ज़्यादा सच्चे हैं और उसके कबीर कम सच्चे हैं. ये समझना ज़रूरी होगा कि कबीर हमारे लिए इज़ अ पावरफुल मेटाफर. तो फरीद अयाज कबीर को अपने बड़े गुरूर से कहते हैं कि हमारे कबीर हैं, मध्य प्रदेश के कबीर पंथी कहते हैं कि हमारे कबीर हैं, राजस्थान के मुसलमान कहते हैं कि हमारे कबीर हैं. तो इस तरह से हम भी वो गलती ना करें जो दूसरे लोग आज कर रहे हैं. वो ये है कि जो चीज़ एक मेटाफर होती है तो उसमें फिर उसको हम दायरे में न बांधते, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है. ये ना हो कि हम भी कबीर को इस तरह का राम बना दें कि उसके आसपास हम एक नया दायरा बना दें, पर हम समझें कि कबीर की फितरत में ये ज़रूरी है कि वो हद से हमें अनहद तक ले जाए और उसी अनहद तक जाते हुए जहाँ जहाँ उसके आपको स्वर सुनाई देंगे, वो स्वर चाहे उस भाषा में हो या किसी और भाषा में हो, आप वो कबीर ही सुन रहे हैं. तो ये इसकी तैयारी करते हुए, इसके बारे में सोचते हुए, मैं एक गुजरात के एक जो एक कंटेम्प्रेरी पोएट है, एक राइटर है ध्रुव भट्ट, तो उनकी एक कविता मैं सुन रही थी जो मैं गुजराती में आपको पढ़ के बताऊँगी और फिर मैं उसका अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ूँगी. तो हालाँकि वो कह नहीं रहे कि वो कबीर, लेकिन आपको वो झलक उसमें भी दिखेगी. वो कह रहे हैं ओचित तो कोई मने रस्ते मड़ी ने कड़ी कई धीरे थी पूछे तुम कह मुझे, मतलब अचानक राह गुजर कोई मुझे मिल जाए और मुझे धीरे से अगर कोई मुझे पूछे कि तुम कैसे हो, तो आपने तो कहिए कि दरिया सी मौजमान ने ऊपर थी कुदरत नी रह मुझे. तो मैं तो उसका जवाब ये दूंगा कि हम तो दरिए वाली मौज में हैं और कुदरत की हम पर रहम है. तो ये पूरी कविता है कि मेरा जो मेरी फटी हुई जेब में से भी मुझे वो दरिया वाली मौज मुझे दिख रही है. फाटे ना खीसानी आड़वा मुकी छे अमे छलकती मलकाती मौज एकलो उभू ने तोय मेड़ा मा हो एवं लाग्या करे छे मने रोज तारू वसाए नहीं एवड़ी पटारी माँ आपनो खजानो हेम खेम छे. कि हमारे पास इतना खजाना है कि मेरी फटी हुई जेब में से वो निकल जाता है क्योंकि मेरा खजाना ही इतना बड़ा है. मैं इस तरह की दीवानगी में हूँ, मैं इस तरह की मौज में हूँ. कहिए आप जब ये सुने तब आप ये सोचें कि कबीर क्या कहते हैं. जब कबीर के जो शब्द थे मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में. तो कबीर तब भी थे, कबीर अब भी हैं, कभी गुजराती में हैं तो कभी अवधि में हैं, लेकिन हैं तो वही और एक सच्चे भी हैं लेकिन एक रूपक भी हैं. शुक्रिया. कबीर सेकुलर वर्ड आज आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं
कबीर अपने समय में ही बता गए थे सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। अंतिम में जब उनकी मृत्यु हुई और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरा समुदाय हमारे भारत का ही जब आपस में युद्ध करने लगा कि इनको दफनाया जाएगा, एक ने कहा नहीं, मैं इनका अंतिम संस्कार करूँगा, इन्हें जलाया जाएगा। कबीर वहाँ पर तुरंत फूल बन गए और कहे अगर तुम जलाना चाहते हो तो तुम जला लो और तुम दफनाना चाहते हो तो दफना लो। तो ये हमारे कबीर थे जो केवल मगहर के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के हैं, पूरे सनातन धर्म के हैं, चाहे आप उन्हें हिंदू के रूप में देखें चाहे मुसलमान के रूप में, कबीर आपको कबीर के रूप में ही मिलेंगे। हरि मोर पियू मैं राम बहुरिया, हरि मोर पियू मैं राम बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तेरा, यह कहने वाला केवल कबीर हो सकता है जो ईश्वर को अपने पति के रूप में भी देखता है, ईश्वर को अपनी माता के रूप में देखता है और खुद को ईश्वर का बालक देखता है, खुद को ईश्वर की पत्नी मानता है। और इसी के साथ मैं आवाज़ देना चाहूँगी एडीजीपी सर को। अगले इनका प्रश्न ये है कि जिस समय राम पैदा हुए थे क्या उस समय हिंदू और मुस्लिम जैसा कोई कॉन्सेप्ट था, जो कि आपने कहा बाबरी मस्जिद के राम हिंदू के राम कुछ और मुस्लिम के राम कुछ और, ऐसा जैसा आपने कहा। प्रश्न एक बार और दोहरा ले ताकि हमारे मुख्य वक्ता तक बात आ। वक्ता महोदय ने अपने मंच के भाषण से राम में बाइफर्केट किया, कबीर के राम दूसरे हैं और बाबरी मस्जिद के राम दूसरे हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं कि जिस समय बाबरी मस्जिद के राम पैदा हुए थे क्या उस समय समाज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में बटा हुआ था, क्या उस समय जातियां थीं, जो कि आपने कहा है कि बाबरी मस्जिद के राम हिंदू थे। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल बिल्कुल लाजिम है। मैं एक ऐतिहासिक ढंग से नहीं, लेकिन राम का नाम लेकर जो वो पूरा जो विवाद है, मैं उस विवाद की बात कर रही थी, मैं एक हिस्टोरिकल राम की बात नहीं कर रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर राम के नाम से कुछ लोग जो हैं कुछ संप्रदाय अगर नफरत फैला रहे हैं तो ये कबीर वाले नाम नहीं है, राम तो कबीर पे भी है, मतलब राम से तो किसी का झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा जो है वो सांप्रदायिकता से है और कबीर के नाम में आपको वो सांप्रदायिकता नहीं दिखती है, लेकिन हमारे कुछ जो सियासती लोग हैं वो उस राम का बहाना लेकर जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मेरा इशारा उस ओर था, न कि इतिहास तरफ। एक व्यक्ति एक ही प्रश्न, और जय श्री राम, कितने भर से आप समझ जाइए हे राम और जय श्री राम कहकर क्या किया जाता है। अब मैं दूसरे वक्ता को आमंत्रित करती हूँ जो डीजीपी है गुजरात से पुलिस विभाग में। बहुत प्रासंगिक नहीं लगता, मैं यात्रा के बारे में बात करूंगा। वो मुझे लगता है कि यात्रा के बारे में बात करना, क्यों किया, कैसे किया, वो ज़्यादा प्रासंगिक होगा आज के लिए, मेरे लिए बात करने के लिए। जो सवाल है ये, क्या पूर्वांचल बुद्ध और कबीर रूपी पहचान हो रहा है, इस सवाल में ही सन्निहित है यात्रा का निकलना, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सवाल का जवाब क्या है और ये अगर हाँ है कितना हाँ है, नहीं है तो कितना नहीं है, क्या कहीं बीच में है। तो पहली बात तो ये है कि अगर यात्रा निकली है तो ये बात तो सही है कि हम खो नहीं, पूरी तरह से खो नहीं चुके हैं, जरूर कबीर और हमारे अंदर आज भी सच है। और प्रोफेसर रीटा कोठारी ने कहा कि कबीर हर जगह